और अब बात करेंगे रांची के हरमू में स्थित सोहराय भवन में जेएमएम केंद्रीय समिति की बैठक की, जो बीच में ही कोरोना वायरस के कारण स्थगित करनी पड़ी। इस बैठक के लिए सीएम हेमंत सोरेन, पार्टी के सभी विधायक और बड़े नेता पहुंचे थे। बैठक में दुमका उपचुनाव और राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होनी थी। कोरोना को भगाने का हर किसी का अपना फॉर्मूला है, ये केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले थे। हमारा मकसद आपको ठहाका दिलाना नहीं, हमारा मकसद आपको ये बताना था कि कोरोना का खौफ किस कदर फैल चुका है। इसका असर जेएमएम केंद्रीय समिति की बैठक में भी नजर आया, जब बैठक को बीच में ही कोरोना के कारण स्थगित करना पड़ा। योग वर्ष आपको मालूम है कि देश दुनिया में एक विपत्ति आई है कोरोना का, इसको लेकर राज्य सरकार भी काफी संवेदनशील के साथ इस पर नजर रखे हुए है और कई बड़े गोष्ठियों आहूत करने पर पाबंदी लगाई है। संयोग से ये कार्यक्रम पूर्व में आहूत थी और आज उस संक्रमण को ध्यान में रखकर हम लोगों ने केंद्र समिति की बैठक को स्थगित कर दिया है। अगले बैठक में राज्यसभा चुनाव, दुमका उपचुनाव को लेकर मंथन होना था पर हो न सका। बैठक में जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन, सीएम हेमंत सोरेन समेत कई विधायक और नेता पहुंचे। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं ने सीएम हेमंत सोरेन के साथ जमकर सेल्फी ली तो कई मुख्यमंत्री के लिए तोहफे भी लेकर आए। हेमंत सोरेन भी सभी से गर्मजोशी से मिले, पर बैठक का जो मकसद था वो पूरा नहीं हो सका। हाँ, ये जरूर था, बैठक स्थगित होने के बाद सीएम ने लोगों से कोरोना से न डरने और बचाव की अपील साथ साथ। हमें पता चला है और विभागों के द्वारा हमें जानकारी मिल रही है कि स्वास्थ्य विभाग भी इसको लेकर के सजग है और कई बड़े गोष्ठियों को आयोजित करने में भी पाबंदी लगाई जा रही है और स्कूल कॉलेज पर भी सरकार निर्णय लेने जा रही है। अभी पदाधिकारियों के साथ बैठक है, उसके बाद संभवतः हम लोग इस विषय पर निर्णय आपको सुना देंगे। कोरोना के खिलाफ जंग में हमें अपनी सरकार का साथ देना है। हमारी धरती उलगुलान की धरती है और विद्रोह तो हमारी मिट्टी की खासियत है। फिरंगियों के दांत तो हमने हमेशा खट्टे किए हैं, फिर ये तो चीनी कोरोना है। और अब तो सबके फेवरेट अमिताभ बच्चन भी यही संदेश दे रहे हैं। बहुतेरे इलाज बतावे जन जनमानस सब, बहुतेरे इलाज बतावे जन जनमानस सब, केकर सुने केकर नाही कौन बताई सब। क्यों कहस कलौंजी पीसो क्यों आंवला रस, क्यों कहस कलौंजी पीसो क्यों आंवला रस, क्यों कहस घर में बैठो हिलो न ठस से मस। अब ईर कहन और बीर कहन कि ऐसा कुछ भी करो ना, ईर कहन और बीर कहन कि ऐसा कुछ भी करो ना, बिन साबुन के हाथ धोई के केहू का भैया छुओ ना। हम कहा चलो हमऊ कर देते हैं जैसन बोले सब, हम कहा चलो हमऊ कर देते हैं जैसन बोले सब, आवे देव करोना फिरोना ठेंगवा दिखाओ तब। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। पूरी रिपोर्ट आपने देख ली, अपने सहयोगी का रुख करते हैं। सहयोगी राकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी राकेश, सबसे पहला और सबसे प्रमुख सवाल यही है मेरा आपसे, जो राजनीति की खबर सुर्खियां बटोरती थी, अब क्या उसी राजनीतिक गलियारे में कोरोना से जुड़ी खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं या राजनीति को डरा रही है? कैसे आंकते हैं आप इस पूरे खबर को? देखिए, पूरा देश एक तरीके से हाई अलर्ट पर है और उसको मद्देनजर रखते हुए कहीं भी गैदरिंग को लेकर इजाजत नहीं दी जा रही है, तो उसी के तहत ये प्रिकॉशन मेजर्स किया गया है झारखंड सरकार द्वारा। और आने वाले दिनों में सरकार ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशंस मेजर्स करने की बात कह रही है। आज चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति की बैठक थी, लेकिन उस बैठक को बीच में ही रोक दिया गया। वजह यह बताई गई कि जिस चीज़ से लेकर पूरा देश अलर्ट है, एक मैसेज भी देने की कोशिश झारखंड सरकार की तरफ से की गई, पार्टी की तरफ से की गई, क्योंकि पार्टी के मुखिया जो कि वहाँ मौजूद थे, इसके अलावा झारखंड सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी उस बैठक में मौजूद थे, तो वहाँ से एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि सरकार जो है इस पूरे
जो त्रासदी एक तरीके से आप कह सकते हैं जो पूरे विश्व में उभर कर आई है, तो उससे निपटने के लिए झारखंड सरकार भी तैयार है और जितनी प्रिकॉशंस की ज़रूरत है वो तमाम तरह की प्रिकॉशंस जो है वो सरकार लेने जा रही है। चाहे स्कूल कॉलेज को बंद करने का मसला हो, सिनेमा घर को बंद करने का मसला हो, सार्वजनिक तौर पर संगोष्ठी हो या फिर ऐसे कोई बड़े आयोजन से भी दूरी बनाने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि इस विषय पर, स्कूल कॉलेज के बंद करने के विषय पर वो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और संभवतः आज या कल में कोई बड़ा फैसला यहाँ भी की जो सरकार है वो लेने जा रही है। आपने देखा होगा कि जो पड़ोसी राज्य बिहार है वहाँ स्कूल कॉलेज को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। तो इसी तरह के जो प्रिकॉशंस मेजर्स होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं जरूरी, वो सरकार लेने की दिशा में हर तरीके से तैयारी कर रही है। और आज यही वजह रही कि जो केंद्रीय समिति की झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो बैठक कॉल की गई थी, जो बेहद महत्वपूर्ण बैठक थी, एक तरफ राज्यसभा चुनाव है, दूसरी तरफ बाई इलेक्शन भी होना है दुमका में, तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन बीच बैठक को ही रोक दिया गया है अगले आदेश तक के लिए। तो यानी सार्वजनिक जगहों में जो लोगों की गैदरिंग होती है उसमें कहीं ना कहीं अब सरकार जो है वो अंकुश लगाने जा रही है और जो भी प्रिकॉशंस होने चाहिए वो तमाम स्टेप्स जो है आने वाले दिनों में सरकार उठाती हुई आपको नजर आने जा रही है। जो आज खबर हम दिखा रहे हैं उससे इस बात के साफ संकेत मिलते हैं कि किस प्रकार सरकार भी गंभीर है और किसी भी गैदरिंग से शायद परहेज करे। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए राकेश आपका बेहद शुक्रिया। तो कोरोना का आतंक क्या है, इसकी कहानी अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है।